Hello, welcome to bimbro.com. Today we are going to study a very important topic in statistics called application of t-test. तो ये fourth application है हमारे इस series के अंदर. तो हमें क्या test करना है यहाँ पे? To test significance of an observed sample correlation coefficient. मतलब हमें क्या करना है? जो correlation coefficient है उसका significance check करना है. ठीक है? तो suppose करो हमें क्या हुआ है? एक bivariate normal population है. उसमें से हमें क्या देख रखा है? Samples देख रखे हैं, है ना? और उसका जो correlation आ रहा है, ठीक है? वो क्या है हमारा? Small r आ रहा है. मतलब जो sample correlation है वो कितना आ रहा है हमारा? R आ रहा है, ठीक है? और जो population correlation है वो कितना मान लिया मैंने? Rho मान लिया, RH और rho, ठीक? अब हम क्या जानने में इंटरेस्टेड है कि जिस पॉपुलेशन में से हमने सैंपल्स को लिया है ना, क्या उस पॉपुलेशन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट जीरो के बराबर है? मतलब जो रो की वैल्यू आ रही है क्या वो जीरो के बराबर है? कहने का मतलब क्या होगा अदर वर्ड में कि उस पॉपुलेशन के अंदर क्या जो वेरिएबल्स है वो अनकोरिलेटेड है ना? ये हमें टेस्ट करना है. तो हम क्या मान के चलेंगे कि पॉपुलेशन का जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो क्या है? जीरो के बराबर है. ये मानेंगे नल हाइपोथेसिस, है ना? इसका मतलब कि जो वेरिएबल्स आपको दे के रखे हैं पॉपुलेशन के अंदर उनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, ये हम मान के चलेंगे. मतलब पॉपुलेशन कोरिलेशन क्या हो जाएगा? जीरो. तो हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगा कि जो पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो जीरो के बराबर नहीं होगा. ठीक, ये मान के चलेंगे. वो जीरो से छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है. तो टू टेल टेस्ट लग जाएगा. अगर जीरो से बड़ा होगा तो वन टेल टेस्ट, और जीरो से छोटा होगा तो वन टेल टेस्ट लगेगा. ठीक है, तो उसके लिए हमारा जो टेस्ट स्टेटिस्टिक रहता है, ठीक है, तो अगर हमें सिग्निफिकेंस चेक करना है कोरिलेशंस का, तो उसके लिए जो टेस्ट स्टेटिस्टिक रहता है टी टेस्ट का, वो क्या रहता है? टी इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर इनटू में अंडर रूट एन माइनस 2. तो यहाँ पे आर का मतलब क्या होगा? सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट. ठीक है, यहाँ पे जो स्मॉल आर है इसका मतलब क्या होता है? सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट. एन का मतलब क्या होता है? सैंपल साइज. अब बेसिकली हम टी टेस्ट लगा रहे हैं तो सैंपल साइज क्या होगी? 30 से छोटी रहेगी. ठीक है, अब यहाँ पे न्यू का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम. और इसमें आपको ध्यान रखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो कितनी होती है? एन माइनस 2 होती है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपन दो सैंपल की बात कर रहे हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें करना क्या रहेगा, यहाँ पे दो अलग अलग सैंपल की बात कर रहे हैं. ठीक, अब देखिए हम करेंगे क्या, एक चीज ध्यान रखना आपको कि हम डिसीजन कैसे लेंगे. तो ये हमारा क्या रहेगा? कैलकुलेटेड टी कितने डिग्री पे? एन माइनस 2 डिग्री पे. तो आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया रहता है 5% या 1%. तो आप क्या करोगे, जो कैलकुलेटेड टी है उसको कंपेयर करोगे टेबुलेटेड टी से या क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टी से, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम पे? एन माइनस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे और गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे. अगर कैलकुलेटेड टी टेबल टी से बड़ा आ गया तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे. रिजेक्ट कर देंगे इसका मतलब जो पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो जीरो के बराबर नहीं है, वो जीरो से बड़ा है या कुछ और वैल्यू आ रही है. ठीक है, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी क्या हो जाएगा? टेबल वैल्यू ऑफ टी से छोटा आएगा, तो हम क्या करेंगे? नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे और हम क्या मानेंगे कि जो पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो कितना है? जीरो है, ये मानेंगे. इसका मतलब जो वेरिएबल है पॉपुलेशन के अंदर वो कैसे है? अनकोरिलेटेड है. ठीक है, तो अब देखिए हम क्वेश्चन देखते हैं. तो आपको एक रैंडम सैंपल दे के रखा है और उसमें कितने ऑब्जर्वेशन दिए आपको? 27 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए. किससे? नॉर्मल पॉपुलेशन से. ठीक है, गिव अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ, और जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो कितने का दिया आपको? 0.42 का. अब आपको पूछा है इज इट लाइकली दैट वेरिएबल इन पॉपुलेशन आर अनकोरिलेटेड. तो आपको क्या बोला है? क्या ये हो सकता है कि जो पॉपुलेशन में वेरिएबल दिए वो अनकोरिलेटेड है ना? तो हम क्या मान के चलेंगे कि जो पॉपुलेशन में वेरिएबल दिए है उनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है. इसका मतलब जो पॉपुलेशन का जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो किसके बराबर है? यहाँ पे जीरो के बराबर है. तो हमारा एच वन क्या जाएगा? रो इज नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा. तो हम यहाँ देखते हैं, हमें टेस्ट करना है 5% लेवल पे. तो हमें क्या क्या गिवन है? स्मॉल आर देके रखा है आपको, 0.42 सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये आपको देके रखा है, और जो एन है एन सैंपल साइज वो आपको कितनी दी है यहाँ पे? 27 देके रखी है. ठीक है, तो हमने क्या माना? नल हाइपोथेसिस कि पॉपुलेशन के जो वेरिएबल्स है वो अनकोरिलेटेड नहीं है. कहने का मतलब उनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है ना. रो इक्वल्स टू क्या रहेगा? अपना जीरो रहेगा. और अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा? रो इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. तो यहाँ पे जो टेस्ट है वो कौन सा लग रहा है हमारे पास? टू टेल टेस्ट लग रहा है. ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो टेस्ट स्टेटिस्टिक है वो लगाएंगे. तो टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? आर अपॉन में 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू में अंडर रूट एन माइनस 2. तो ये वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे,
टी इक्वल्स टू आर की वैल्यू कितनी है 0.42 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0.42 का होल स्क्वायर इनटू में अंडर रूट ऑफ एन कितना है 27 है 27 माइनस 2 ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हम देखते क्या वैल्यू आएगी, तो t इक्वल्स टू आएगा 0.42 और ये हो जाएगा 27 माइनस 2 25 तो रूट 25 कितना होता है 5 और जब मैं 1 माइनस 0.42 का स्क्वायर सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 0.908 और यहाँ पे t की वैल्यू सॉल्व करने पे कितनी आएगी 2.31 ठीक है। ये आ गया कैलकुलेटेड t। अब मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालूंगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू इक्वल्स टू कितना होगा n माइनस 2 दैट इज 27 माइनस 2 दैट इज 25 तो 25 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे t की वैल्यू आ रही 2.31 और जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा क्वेश्चन में कितना दिया आपको 5% दिया है दैट मींस 0.05 आपको दे के रखा है ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे t की निकालेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू है ना जो आपको डिस्क्रिप्शन में टेबल दिया हुआ है उसमें से तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे जो कैलकुलेटेड सॉरी जो टैबुलेटेड t रहेगा टैबुलेटेड t कितने डिग्री पे एट 25 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एट कितने लेवल पे एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ठीक है। तो वहां पे t की जो वैल्यू है 5% पे और 25 डिग्री पे वो कितनी आएगी 1.708 आ रही है ठीक है। वो वैल्यू कितनी आ रही है 1.708 आ रही है ठीक सॉरी 1.708 2.06 आ रही है ठीक क्योंकि t की वैल्यू हम बात कर रहे हैं यहां पे टोटल टेस्ट के लिए तो वैल्यू क्या है 2.06 ठीक। अब तो हम यहाँ पे क्या करेंगे डिसीजन कैसे लेंगे कि जो कैलकुलेटेड t है उसको कंपेयर करना है टैबुलेटेड t से तो अगर कैलकुलेटेड t बड़ा आएगा टेबल t से तो हम क्या करेंगे हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे तो जो कैलकुलेटेड t है वो आ रहा है यहाँ पे 2.31 और टेबल t आ रहा है 2.06 तो कैलकुलेटेड t टेबल t से बड़ा आ रहा है इसका मतलब जो नल हाइपोथेसिस उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। इसका मीनिंग क्या होगा कि जो पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो जीरो के बराबर नहीं है, है ना। इसका मतलब क्या होगा कि जो वेरिएबल है पॉपुलेशन में उनमें कुछ ना कुछ कोरिलेशन दे के रखा है ठीक है। अच्छा इसमें तो आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर डायरेक्ट दे के रखा था कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक्स और वाई दे देंगे सैंपल वैल्यू दे देंगे 5, 5, 10, 10 है ना उनके बीच में आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर निकालना रहेगा कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट ठीक है। तो उसका हमारा वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है आप वो वीडियो देखिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि सिग्निफिकेंस चेक करो तो आप पहले कोरिलेशन निकालेंगे स्मॉल आर और उसके बाद सिग्निफिकेंस चेक करेंगे ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में कोरिलेशन की लिंक आपको दे के रखी है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।